नेता हैं जो विपक्ष में थे तो बीजेपी पानी पी पी कर पापी बताती थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी को अपना क्या बनाया, उनके पापों के घड़े का पानी उतरने लगा। गौर कीजिए, मुकुल राय नागदा चिटफंड घोटाले में आरोपी, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही आराम से राजनीति करने लगे। हेमंत बिस्व शर्मा, यही बीजेपी उन्हें गुवाहाटी जल घोटाले का आरोपी बताती थी, आज बीजेपी की सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। अनिल शर्मा, देश के पहले टेलीकॉम घोटाले के चेहरे सुखराम के सुपुत्र, आज हिमाचल सरकार में बीजेपी के ताकतवर मंत्री। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार का चेहरा थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ही अपना चेहरा बना लिया। अभी इस रहस्य का उद्घाटन होना बाकी है कि बीजेपी में जाने के बाद आरोप बदल जाते हैं या एजेंसियां बदल जाती हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि जैसे आरोपों में विपक्ष के नेताओं पर कहर टूट रहा है, वैसे ही आरोपों में बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार पर ज्ञान बांट रहे हैं। आज तक ब्यूरो।